नमस्कार, एफ एंड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए डेडिकेटेड। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम होती है। फर्स्ट, एक तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको मिल जाता है, आज दिन भर क्या हुआ, आगे क्या हो सकता है, इसको लेकर एक्सपर्ट्स अपनी राय रखते हैं। साथ ही जो ट्रेंडिंग शेयर्स हैं वायदा बाजार के, आपको उसके बारे में आइडिया लगता है कि हाँ कौन से शेयर चल सकते हैं, कौन से बेहतर हैं और कौन से पीछे छूट जाएंगे। खैर, पहले एक बार हम आज का पूरा बाजार समझ लेते हैं, इस समय के मार्केट की कंडीशंस क्या है, फिर हम रिपोर्ट कार्ड के साथ आगे बढ़ जाएंगे। पहले कल के सौदे आपको बताएंगे जो हिट हुए हैं और उसके बाद फिर आज के मेहमान चंदन तापड़िया आपको बताएंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या करना है और आपको आगे की रणनीति क्या रखनी है। ये निफ्टी का चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पांच बड़ी बातें भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी, एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और अगर आप उन बड़ी बातों में देख रहे हैं, जो सबसे अहम बात है वो है कि बेहतर ग्लोबल संकेतों से आज बाजार के अंदर फिर से शॉर्ट का कवरिंग हमको आती दिखी है। कल भी हमको गैप डाउन मिला था, आज गैप अप मिला है। इसका मतलब जो सोल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ग्लोबल मार्केट्स है, वहाँ से ही हमको जो भी सिग्नल मिल रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग एसजीएक्स निफ्टी के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 16,200 के अहम स्तर के पास आ गया है। मार्केट अगर आप देखें तो दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। पहला, 15,800 का अच्छा बेस, 16,000 का पार करना, 16,200 तक पहुंचना। अब हम तीसरे पड़ाव पर हैं जो कि रेजिस्टेंस का एक वापस से जोन बनता है। बड़ी बातों में तीसरी बड़ी बात है, 16,100 के नीचे की सभी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग है। इसका मतलब है कि मार्केट का बेस बन चुका है, तैयार हो चुका है। शायद आज के पूरा दिन भर में वो 16,100 को ना ब्रेक करे, क्योंकि जो नई सीरीज शुरू हुई है 26 तारीख की एक्सपायरी वाली, उसके अंदर 16,100 के नीचे की सभी कॉल्स में कवरिंग देखने को मिल रही है। सभी सेक्टर इंडेक्स में आज तेज़ी है, मेटल्स और रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा तेज़ी है 3% के आसपास की। और पाँचवीं बड़ी बात है, इंडिया विक्स 4% टूट गया, कल बड़ा था 10%, आज टूटा है 4%। एथिकली ये पूरा तरह से तो वापस नहीं आया उस जगह पर, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा नरम हुआ है 4%। ये थोड़ा कॉशियस अभी भी है, 23-23.5 का विक्स उतना भी ठीक नहीं होता जितना कंफर्ट में एक्चुअली में हमको मिल जाता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, पहले जरा रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। कल शिवांगी सारदा हमारे साथ थी, उन्होंने कुछ एक शेयर्स दिए थे, उनसे हमने शेयर डिस्कस किए थे, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है पहले वो देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें डॉक्टर रेड्डीज आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा। कल हमने लास्ट में चलते चलते डॉक्टर रेड्डीज के बारे में चर्चा की थी कि इसके अर्निंग्स आएंगी, हो सकता है बेहतर आए, क्योंकि इसका जो बेस था वो इंडिकेट कर रहा था। कल हमने बकायदा इसके चार्ट भी आपको दिखाए थे। आज देखिए डॉक्टर रेड्डीज से कल और आज में 6% तक का फायदा आपके अकाउंट में आया होगा। शिवानी की जो दो कॉल्स से, एक तो ITC उन्होंने रिकमेंडेशन के तौर पर दिया था 2%, आज वो ऊपर है। कल हमने ITC को अच्छे से डिस्कस किया था, आज भी चल रहा है। उनके लिस्ट में ACC भी था, हमने उनसे एक्चुअली में अंबुजा पूछा था तो उन्होंने अंबुजा कहते कहते ACC के बारे में अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी बताई थी, आपको याद होगा 1.5% का गेन वहाँ से भी आपको आया होगा। 22-30 तक का लेवल था जहाँ पे हमने रिकमेंडेशन दिया था, वहाँ से गेन करीब 1.5% का है। तो कल कुछ सेलेक्टिव सौदे हमने उनसे डिस्कस किए थे और उसमें से ये रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे, चंदन तापड़िया अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अभी आप अपने इंडेक्स पे राय दें उससे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट डाटा हम आपके सामने टेबल पे रख देते हैं। सर, निफ्टी के अंदर आज हो रही है शॉर्ट कवरिंग, एक्चुअली 5.5% का OI इसके अंदर घटा है। रिस्क इंडिकेटर वापस 16,000 के ऊपर आ चुका है सर, VWAP और ट्रेंड आज शॉर्ट कवरिंग का देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में ये है कि अब 16,200 मार्केट का एक रेजिस्टेंस जोन है और उसके बाद 15,800, 15,900 अब पक्के तरह से सपोर्ट हो चुका है। तीसरी बार हम टेस्ट करके आए हैं और तीनों बार में हमने तोड़ा नहीं है। तो सर, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, हम क्या 200 दिन की एवरेज की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि 17,000 के आसपास है? जी देखिए, बाजार है वापस एक दायरे में फंसा हुआ है। हालांकि देखिए, काफी बड़े स्विंग्स इस रेंज पे देखने को मिले थे। मैं 17 मई की बात करूं तो 400 पॉइंट बाजार ने अपटिक दिखाया, उसके बाद में 18 को रेंज बाउंड रहा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन को 400 पॉइंट डाउन टिक था, आज 300, 350, 400 पॉइंट अपटिक है और पूरा बाजार एक दायरे में गैप के बीच में कामकाज कर रहा है। आप तीन दिन पहले देखोगे तो निफ्टी का लो था 16,211 और उसके बाद में कल गैप डाउन हुआ था, आज वापस 16,210.70 का हाई बनाया है, तो वो गैप फिल नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से 16,211 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा बाजार को इमीडिएट ट्रेड सेटअप के लिए। यदि वो निकल जाते तो फिर हम बिल्कुल 16,400, 16,666 और उसके ऊपर की बातें करेंगे। जब तक वो नहीं निकलता है, वापस निफ्टी नीचे में 16,000 या फिर नीचे में 15,950 के लेवल को टेस्ट करेगा, तो टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स कंटिन्यूस, तो हमें लिमिटेड यहाँ पे ट्रेड सेटअप ढूंढने पड़ेंगे। तो एज ऑफ नाउ यही सजेशन है कि 16,211 के ऊपर होल्ड करें तो आप यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट की तेजी के लिए काम करें, अदरवाइज
वापिस नीचे मंडी पाके कहीं ना कहीं 16,061 के आसपास आए तो फिर करें, तो मौजूदा लेवल पे कोई ट्रेड नहीं रहेगा। या तो 16,061 के आसपास आए तो ट्रेड करें, या फिर 16,211 के ऊपर निकले तब जाके आप निफ्टी में ट्रेड करें। ओके ठीक है, तो एक रेंज के सौदे की बात है, एक बार 16,400 के ऊपर निकल जाए तो फिर हम बात करेंगे और तेज़ी की। फिलहाल एक रेंज का मार्केट है, 15,800 15,900 एक बेस है, 16,400 एक रेजिस्टेंस है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे और एक अच्छी चीज़ है, जो दो चीज़ें नोटिस हुई हैं आपको, मैं खैर चार्ट भी दिखाऊंगा, निफ्टी का कोई सौदा तो है नहीं लेकिन उनकी राय आपकी स्क्रीन पर हमने छाप दी है। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि विक्स वॉलिटिलिटी इंडेक्स, ये कल 10% चढ़ा 4% टूटा। एक तो पहला यहाँ से प्रॉब्लम है कि पूरा नीचे क्यों नहीं आया जबकि हमने परसेंटेज में सेम गेन कर लिया। दूसरा पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो 16,100 के नीचे की जितनी भी कॉल्स हैं उनके अंदर कवरिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। अभी मंदड़िए थोड़ा बाहर जा रहे हैं, तेजड़ी है, यानी कि तेजी करने वाले मार्केट के अंदर नहीं आए हैं। ये थोड़ा ये एब्सेंटिज्म यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है आपको। एक और चीज़ है जो मैं आपको चार्ट के जरिए दिखाऊंगा निफ्टी के अंदर, वो ये है कि बेस तो बना दिया लेकिन बेस को जो पुश मिलना चाहिए वो टिपिकली वो पुश नहीं मिल रहा है। ये आप कॉल पुट का डाटा भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये चार्ट मैं कम से कम आपको 4-5 दिन से दिखा रहा हूँ और आज भी आप इसको देखिएगा। ये 15,800 वाला बेस है, ये आपने पुराना देखा होगा, उसके बाद से अब मार्केट की जितनी अटैम्प्ट देख पा रहे हैं इस बेस को क्रैक नहीं कर रही है। एक बार, दो बार, तीसरी बार अटैम्प्ट हुआ लेकिन ये बेस क्रैक नहीं हुआ। अच्छी चीज़ है कि हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश भर कर रहे हैं, अच्छा होगा कि इसके ऊपर हम टिके रहें, फिर हम 200 दिन के एवरेज की तरफ जाएंगे जो कि 16,500-16,700 तक चली जाएगी। लेकिन फिलहाल ये पुल बैक का ही सौदा है, अभी भी आप इसमें ग्रोथ अभी ना माने, पुल बैक के सौदे में ज़्यादा कॉशियस रखना पड़ता है। कभी भी रैली रिवर्सल आ जाता है, कभी भी कोई ग्लोबल संकेत आएगा तो टूट जाएगा बाजार और उसको फिर वो ड्रैग कर ले जाता है नीचे की तरफ में। और ये आपने कई बार देखा होगा जब से हमने एवरेज तोड़ी है, ऐसा नहीं कि बार बार अटेम्प्ट नहीं करती उसने ब्रेकआउट करने के, लेकिन हर ब्रेकआउट फेल हुआ और हमने अपने पैनिक लो को टेस्ट किया वापस जाके हैं। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मार्केट के अंदर अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं थोड़ा हल्के हाथ से ट्रेड लीजिए, कोशिश कीजिए ट्रेड ना लीजिए। गैप अप गैप डाउन आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट वैसे ही कर रहा है। ऑप्शंस वाले ज़्यादा सचेत रहें, अगर आप खुलने के बाद 2% खुलने के बाद इंडेक्स के कोई सौदा ले रहे हैं तो आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो मनी इरोड हो सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं। सर बैंक निफ्टी पे कुछ कहना चाहेंगे कि बैंक निफ्टी को भी अवॉइड ही करें? चंदन जी बात करें तो हाँ, बैंक निफ्टी जरूर आज गैप अप हुआ बट आके वापिस ये उसी दायरे में फंस गया। बैंक निफ्टी अच्छी बात है कि नीचे में 33,666 का एक मेजर सपोर्ट है, कल की एक्सपायरी 33,333 पे हुई थी। सो 33,666 इमीडिएट सपोर्ट के लिए काम करेंगे बट कोई बड़ा कन्विक्शन नहीं है क्योंकि गैप अप आने के बाद में बाजार अटक चुका है और फॉलो अप नहीं आ रहा है। तो आई थिंक आज का दिन मार्केट शायद कंसोलिडेशन में बिताना चाहता है, मंडे को जिस साइड में डायरेक्शन होगा उस तरफ मोमेंटम बनेगा। तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी भी नो ट्रेड जोन में है और निफ्टी को भी नीचे में सपोर्ट टेस्ट करने की जरूरत है कोई यहाँ पे वापस स्विंग लेने के लिए। ओके ठीक है, हमारा भी सर यही कन्विक्शन था, हमने सुबह सुबह भी यही बात हम डेरिवेटिव्स में रख रहे थे कि बाजार का गैप के साथ खुलना एक बात है, खुल के चलना दूसरी बात है। तो खुल तो गया ऊपर लेकिन उसके बाद चलना, जिसको हम कहते हैं ना सेकंड लेग ऑफ अ रैली है, तेज़ी, वो थोड़ा एब्सेंट है। आप देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी एक बार सुबह की जो तेज़ी बनी है ना उसके बाद बिल्कुल सपाट हो गया। ऐसे आप निफ्टी भी देखिएगा, एक बार जो सुबह आपको तेज़ी मिली बिल्कुल सपाट हो चुका है। तो बाजार के अंदर थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है, ऑप्शंस वाले तो खासकर तैयार रहे। ऐसा नहीं कि बाजार चल रहा है तो आप तुरंत ऑप्शंस पे आ जाएं, आपकी मनी वैल्यू ख़राब हो सकती है। तो अगर साइडवेज हो गया तो दोनों तरफ के सौदों को ये मारेगा, दोनों के प्रीमियम्स को ईट कर जाएगा। खैर पहले जरा तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं सर। सर मारुति ने कैपिटल एक्सपेंशन किया है, करीब 11,000 करोड़ रुपये लगा रही है सोनीपत में एक प्लांट पे। और यू मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है 18Now एक्सक्लूसिव को ये भी बोला है कि एक्सक्लूसिव जानकारी ये दी है कि आगे चल के वो ई व्हीकल्स पर भी ध्यान रखेंगे, SUVs के अंदर भी उनका फोकस ज़्यादा रहेगा। 2-2.5% ये शेयर ऊपर, एक तो इसको चेक कर लीजिएगा। न्यूज़ फ्लो काफ़ी तेज़ी से मारुति के अंदर बढ़ रहा है, पिछले एक महीने में 4-5 बड़ी खबरें आई हैं। एक दूसरा है ग्रासिम, सीमेंट कंपनीज के अंदर थोड़ी हो रही है चर्निंग सर, आज ग्रासिम 2.5-3% ऊपर है, जरा दोनों के चार्ट चेक कर लीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले आपने यहाँ पे मारुति की बात की और फिर आपने ग्रासिम की बात की। तो सबसे पहले मारुति की बात करें तो मारुति नीचे में सपोर्ट बेस बना रहा है बट कंसर्न ये है कि बार बार ये 7,650 पे हर्डल ले रहा है। आज का हाई भी वहीं पे है, 3 दिन पहले भी हाई ऑलमोस्ट वहीं था। तो कहीं ना कहीं 7,600 से 7,650 एक मल्टीपल हर्डल है। बट यस, बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे, ऊपर से डिप आया तो खरीदारी की सलाह बनेगी। नीचे में 7,400 के स्टॉप लॉस, पहला लेवल 7,650, वो निकलता है तो 8,000 तक के लेवल बनेंगे।
अब ग्रासिम की बात करें तो ग्रासिम ने कहीं ना कहीं, अब लग रहा है कि मेजर ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं लोअर टॉप लोअर बॉटम के वीकली चार्ट के निगेशंस के अर्ली साइन यहाँ पे मिल रहा है। खरीदारी की सलाह रखेंगे 1460 के सपोर्ट से आपको ऊपर में लगभग 1570 तक के अपसाइड ग्रासिम में बनने चाहिए। ओके ठीक है, एक बार ज़रा मारुति के चार्ट में आपको दिखाऊंगा। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर एक रेंज के अंदर है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी हाई है कि शायद हो सकता है रेंज को पार कर जाए, लेकिन आप 7400 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा अगर आप कोई भी सौदा बना रहे हैं तो। अभी चल रहा है करीब 7600 के आसपास, 15 रुपये कम है, तो कोई डिप मिले तब आप इसके अंदर आइएगा। अब चंदन जी ने एक और इंपॉर्टेंट बात बताई थी मारुति के रिगार्डिंग, जरा मैं आपको चार्ट के ज़रिए दिखा देता हूँ क्यों मारुति को लेकर अभी थोड़ा सा पशोपेश में है कि ये थोड़ा चलेगा नहीं चलेगा। नो डाउट इसमें खबरें काफ़ी आ रही हैं, वो आप इसका भाव देख पा रहे होंगे। पूरी तरह से सपाट है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं, ये पूरी इस रेंज के साथ साथ चल रहा है, ना ही कोई डाइवर्जन, एवरेजेस में भी कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई डाइवर्जेंस नहीं है, बिल्कुल सपाट। अब आप देखें ये बिल्कुल क्रॉसओवर्स के लिए तैयार हो गया है, और पिछले 4-5 दिन में तो ये पूरी एक रेंज के अंदर रहा और दोनों एवरेजेस के नीचे भी रहा है, इसलिए डर भी लगता है कहीं ये क्रैक डीपर क्रैक ना हो जाए और वापस से नीचे ना चला जाए। पहला पॉइंट तो अपनी एवरेज का कोई भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल सपाट एक रेंज के अंदर है, जो सर अभी आपको बता भी रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एवरेजेस के नीचे है, पैनिक बॉटम ऑलरेडी बना हुआ है, ये 7100-7200 वाला पैनिक बॉटम है, ये कहीं वहाँ ना खिसक जाए। ये डेली बेसिस पर चार्ट है, हर एक कैंडल एक दिन की कैंडल है, और पिछले 3-4 दिन का अगर आप मूवमेंट देख रहे हो तो वॉल्यूम भी कम है और मूवमेंट भी कम है प्राइस के अंदर। बट ठीक है, शेयर ख़राब नहीं हो रहा है, अच्छी चीज़ है कि मार्केट की जितनी गिरावट है उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है, इसलिए मारुति के पासिंग मार्क्स दिए जा सकते हैं कि आप इसको शॉर्ट ना करें, इसको लॉन्ग ही रखें। अगर लॉन्ग रख रहे हैं तो टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे, एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सर शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर हैं, एक है LIC हाउसिंग और दूसरा है AU स्मॉल फाइनेंस, इन दोनों में क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इन काउंटर्स की बात करें तो काफी सिलेक्टिव यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बाजार में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात की तो काउंटर में लगभग ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हुआ है, शॉर्ट कवरिंग के यहाँ पे निशान देखने को मिले, बट कंसर्न ये कि ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा। बट अगेन बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू इंटेक्ट रखेंगे, 356 पे के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 390 तक के अपसाइड के लिए। वहीं आपने शायद AU बैंक की बात की, राइट? AU बैंक की बात करें तो AU बैंक में मल्टीपल हर्डल है 1336, तो रेंज बाउंड वाइज वाला है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की सलाह रहेगी, AU बैंक को थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड पे रखें। सर LIC हाउसिंग फाइनेंस आपने ये चीज भी तो नोटिस की होगी ना, पिछले 2 दिन से चल रहा है, ये इतनी पावर रखता है कि थोड़ा और चल जाएगा जो आपका टारगेट है 390 तक, यहाँ तक आ जाएगा? क्योंकि 2 दिन से चल रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये नंबर्स के बाद से चलना शुरू हुआ है। बिल्कुल, देखिए हमने यहाँ पे बात की कि ये काउंटर चला है बट ऊपर के लेवल से ड्रिप हुआ है, तो ऊपर के लेवल से ड्रिप हुआ है इसके लिए यहाँ पे होप हम बना रहे हैं। देखिए इतना क्लियर साइन नहीं है, बट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसका जो एक मेजर हर्डल था लगभग 360 के आसपास, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, और आज का ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं इसका 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये 2-4 तथ्य है, और मार्केट थोड़ा सा नीचे के लेवल से सुधरा है, तो इन तीनों चारों चीजों को होल्ड यदि कंबाइन करते हैं इसके लिए यहाँ पे लग रहा है थोड़ा और अपटिक यहाँ पे बने। ओके ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस 390 तक अभी और खिसक के जा सकता है ऊपर, ऑल दो जिनके पास पोजीशन होगी वो तो खैर एंजॉय कर ही रहे होंगे अपनी तेज़ी की पोजीशंस। 356 का एक स्टॉप लॉस आप लगा के इसके अंदर रखें। इसके अंदर एक चीज़ तो बिल्कुल तय दिख रही है LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, वो ये है कि इसने बेस तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा इसने बनाया हुआ है, ये तीन एक स्ट्रॉन्ग आपको बेस दिख रहे होंगे, ये फर्स्ट वाला पैनिक है, ये सेकेंड उसी जगह पर आके रुका, ये थर्ड भी उसी जगह पर आके रुका। इन तीनों के अंदर एक चीज़ आपने और कॉमन देख रहे होंगे कि जब जब बेस बन रहा है तो उसके अंदर जब भी इस 50 दिन के एवरेज को ब्रेक करता है एक बार रीटेस्ट करने के लिए जरूर जा रहा है 200 दिन के एवरेज को। आप यहां पे देखा होगा ब्रेकआउट हुआ है तो रीटेस्ट करने के लिए गया है, इससे पहले जब यहां पे ब्रेकआउट हुआ इस वाले पैनिक का तो रीटेस्ट करने के लिए पहुंचा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब जब ये अपने स्ट्रांग पुल बैक में पार्टिसिपेट करता है तो एक बार 200 दिन यानी कि इन्वेस्टर एवरेज को टेस्ट करने के लिए जरूर जाता है, जो अपनी तीसरी बार भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभी भी कुछ वैसा ही बॉटम बनता हुआ दिख रहा है आपको, और उम्मीद करती है कि ये आपको यहाँ पे बेहतर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं सर मंदी वाले सौदों पर। तो आपने AU स्मॉल पे तो कुछ नहीं बोलना ना सर, छोड़ दे उसको। ठीक है, मंदी वाले सौदे लेके आइए, और उसमें आपको जो दिखेंगे वो दिखेगा एक शेयर है गोदरेज CP और दूसरा है पीडी लाइट।
चंदन जी, एक बार जरा गोदरेज सीपी और पीडीलाइट जरा दोनों देखिए तो। ठीक है, सबसे पहले गोदरेज सीपी तो मेरे को खराब लग रहा है, और इनफेक्ट यहाँ पे हमारी बिकवाली की सलाह भी है, यहाँ पे शॉर्ट्स के बिल्टअप बने हैं, मूविंग एवरेज के नीचे होल्ड कर रहा है, और ये पैटर्न ब्रेकआउट्स के फेलियर्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 833 को निकाल नहीं पाया, तो यहाँ पे बिकवाली की सलाह रखेंगे, हमारा मानना है 730 की तरफ ये काउंटर फिसल सकता है, तो गोदरेज सीपी पे यहाँ पे नेगेटिव बायस रखेंगे। पीडीलाइट पे भी कोई सौदा नहीं लेंगे आप? पीडीलाइट बिल्कुल, पिडिलाइट की आप बात करें तो पिडिलाइट में आज जरूर नेगेटिव है, बट कल के दिन एक हैमर कैंडल बना था, तो मिक्स सेटअप यहाँ पे मूव है, सो पिडिलाइट पे क्लियर व्यू नहीं समझ रहा है, बट गोदरेज सीपी यहाँ पे सेलिंग के लिए ट्रेड समझ में आ रहा है। गोदरेज सीपी की आपको बता दें, इसके मार्जिन भी थोड़े खराब थे और इसकी वजह से शेयर टूटा भी आज 6-6.5% का आपको यहाँ पे नुकसान भी दिख रहा होगा इस समय गोदरेज सीपी के अंदर। और एक और चीज़ आप अपनी आप स्क्रीन पे जब एफ एंड ओ वाली प्लेट लेके आएंगे आपको दिख जाएगा, पहले आप लेवल्स भी इसके नोट कर लीजिएगा जरा, और उसके बाद मैं आपको प्लेट दिखा रहा हूँ वायदा वाली, उसमें क्या है कि डिस्काउंट लगा है, उसमें 9-9.5 रुपये का डिस्काउंट है बकायदा, 735 का टारगेट है। ये डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, इसके अंदर आपको दो चीज़ें और पता लग जाएंगी, आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि शेयर वापस से अपने फिजल को, जिसको तेज़ी कहते हैं, उसको इरोड कर रहा है, छोड़ रहा है। आइए जरा इसके गोदरेज सीपी के चार्ट पे आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा, ये 200 दिन के एवरेज, 50 दिन के एवरेज, ये एक्चुअली में एक तरह का डिवाइडर है, इसके ऊपर आप स्ट्रांग है, इसके नीचे आप वीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जैसे ये ब्रेक डाउन हुआ उसके बाद से स्पीड से शेयर टूटा, साइडवेज कंसोलिडेशन जिसको हम डबल बॉटम टिपिकली कहते हैं यहाँ पे बना, कमज़ोर था, वापस 200 दिन टेस्ट किया, लेकिन नंबर्स आए तो ट्रिगर बना, फिर से टूट गया। तो जब तक ये इस रेंज को पूरी तरह से पार नहीं करता, दम लगा के पार नहीं करता और ट्रिगर के साथ पार नहीं करता, तब तक काम नहीं बनेगा बॉस। गोदरेज सीपी क्या होगा कि आपको 2-4% ऊपर जाएगा, लेकिन वो अगले दिन 5% नीचे आने का डर बना देगा, छोड़ देगा आपको। तो ऐसे सौदे में जाना है कहाँ, जहाँ पे आपको 2-3% का गेन मिल रहा हो, लेकिन 5% का आपको दिक्कत कहीं ना कहीं नज़र भी आ रही हो। तो जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं, जहाँ पे पुल बैक है वहाँ पे कॉशियस होकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चरली डैमेज हो रहा है, बार बार शेयर नीचे जा रहे हैं, ऊपर ही नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा तो इतना कमज़ोर है कि वो छोटे छोटे रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट करके वापस नीचे खिसक जाता है, उन शेयरों को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। गोदरेज सीपी टूट सकता है ये शेयर आगे चल के, थोड़ा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं चंदन जी, इस बीच आपके अपने ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं पहले जरा वो बता दीजिए, फिर हम तेज़ी वाले सेगमेंट को शुरू करेंगे। बिल्कुल, मार्केट में देखें तो अगेन इंडेक्स है वो रेंज में फंसा हुआ वापस नज़र आ रहा है, नीचे से बाइंग हुई है बट ऊपर में फॉलो करना जरूरी है। हम 16211 के लेवल की बात कर रहे थे, उसको निकालना बहुत जरूरी है इंट्राडे के लिए, तभी मूवमेंट आएगा। ओके, अब स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें तो पहला ट्रेड हमारा रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप देखोगे ये काउंटर है जहाँ पे डेली सेटअप पे कंटिन्यूसली हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं, वीकली चार्ट पे भी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, सो खरीदारी की सलाह रखेंगे 2275 के स्टॉप लो से 2410 तक के टारगेट रहेंगे। और दूसरा ट्रेड रहेगा गोदरेज सीपी, जो ऑलरेडी आप चर्चा में ला चुके हो। गोदरेज सीपी में जैसा डिस्कस कर रहे हैं नेगेटिव प्राइस पैटर्न है, वीकनेस बनेगी, 782 के स्टॉप लॉस है, नीचे में 735-730 तक के टारगेट हासिल हो सकते। ये आपने बेहतर ट्रेड एक हिंदुस्तान यूनिलीवर बताया, ऑलरेडी हम भी इसके बारे में एक दो दिन से डिस्कस कर भी रहे थे, कल हमारी शीट में था HUL, हमने जहाँ तक ध्यान है हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी, क्योंकि ITC के साथ साथ HUL को भी रबफ इफेक्ट मिल रहा है, प्योर पीयर तो नहीं है बट हाँ फिर भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है। आपने जो बात बताया ना वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और मेरी शीट में भी वैसा ही कुछ है, एक्चुअली मेरे लिए ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है, मैं आपको जरा दिखाऊंगा कैसे हम ब्रेकआउट, अभी तक हम आपको उसी लाइंस की इंपॉर्टेंस या आपको एवरेजेस या आपको वॉल्यूम ये सब चीज़ दिखाते रहे, अब इसी चीज़ का आपको ब्रेकआउट दिखाते हैं। ये शेयर डीप फॉल दिखाने के बाद जब इसने लोस बनाना शुरू किए तो हर बार का लो प्रीवियस वाले लो से थोड़ा ऊपर था, आप देख पा रहे हो कि पैनिक लो, फिर ये दूसरा बना हुआ है, ये तीसरा और ये चौथा, चार बार हर बार के लोस से ऊपर, यानी कि बढ़ते हुए कदम पे थे, यानी कि आप मजबूत होते जा रहे थे। अब हुआ फाइनली ब्रेकआउट, ये जो एक्लिप्स हमने क्रिएट किया है ये फाइनली ब्रेकआउट हुआ, 50 दिन का सपोर्ट मिला, 200 दिन को ब्रेक कर दिया, अब हम नई टेरिटरी में पहुंच चुके हैं, अब हम घबराने वाली टेरिटरी में नहीं, अब हम ग्रोथ वाली टेरिटरी में आ चुके हैं। HUL इसलिए सर की कॉल में कन्विट हुआ है और इसलिए उन्होंने बाय कॉल्स में यहाँ पर डाल दिया, डालने को तो ITC को भी डाला जा सकता था, लेकिन इसमें अभी एक ड्यू रिस्पेक्ट का अच्छा एक आपको परसेंटेज गेन मिल सकता है। 2410 का आपका टारगेट, 2275 का आपका स्टॉप लॉस, ये HUL है। और गोदरेज सीपी तो ऑलरेडी आपका एक ब्रेक होने वाला स्ट्रक्चर है, उसमें आपको शॉर्ट है, एक बार वो भी वापस से दिखा दी गोदरेज सीपी के लेवल्स भी, ताकि नोट हो जाए 735 और 782 का स्टॉप लॉस है।
सर आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट मेरे को आपसे ऊपर पता करना है, जरा डिवीज लैब और चेक कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स के ना शेयर चल रहे हैं, हमारी तेजी वाली कैटेगरी में डिवीज लैब है, जरा स्पीड से डिवीज लैब दिखा दीजिए। देखिए डिवीज लैब की बात करें तो अगेन रेंज बाउंड बायस है, पिछले लगभग 10 दिन हो गए स्टॉक नीचे में, कहीं ना कहीं आके 4150 का सपोर्ट ले लेता है, ऊपर में 4385-4350 निकाल नहीं पाता, बट अगेन कल के नेगेटिव कैंडल के बाद आज पॉजिटिव कैंडल है, तो ये समझते हैं कि ऊपर के लेवल पे जाएगा, तो काफी रेंज बाउंड बायस है, चाहे वीकली देखो या फिर बिगर टाइम फ्रेम देखो, बट डेली में और आर्डली में ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अपटिक बनना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हैं, 4200 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह दे सकते हैं 4500 के टारगेट के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए ये अहम जानकारी है इसके बारे में।